वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई एम विद अनदर वीडियो सो काफ़ी दिन बाद मैं आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और अभी भी आपको आ, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही होगी सो so, प्लीज़ इसे माफ़ कीजिएगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन्स सभी को जो लोग 2019 वाले रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट में पास हो गए उनकी नौकरी लग गई है, उन सभी को कांग्रेचुलेशन्स क्योंकि 2019 का भी फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और कट ऑफ काफ़ी हाई गई आपने देखा होगा लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस समय सीट्स बहुत बहुत कम आई हुई थी तो अच्छा है जिन लोगों का हो गया जिनका नहीं हुआ है उनका 2020 का अगर वो रिटर्न पास कर चुके हैं तो उनके स्किल टेस्ट की भी डेट आ चुकी है और सिर्फ़ और सिर्फ एक महीना है एक महीना भी नहीं है टू तो बी ऑनेस्ट तो अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है इसी में आपको अपना बेस्ट करना है आई नो कि पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा समय मिलता था लेकिन अब एस ने काफ़ी तेज़ी दिखाई और जल्दी से स्किल टेस्ट की डेट बता दी तो एक तरह से अच्छा है कि चलो ठीक है आपका हो के फाइनल हो जाएगा और एक तरह से खराब है अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है तो आप लोगों को डर लग रहा होगा बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ठीक ठाक सा एक टाइम टेबल टाइप का कि आप कैसे इस एक महीने को या उससे भी जो कम दिन है बीस पच्चीस दिन को कैसे आप यूज़ करेंगे बिल्कुल अच्छा रिजल्ट लाने के लिए और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी तो आइए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी टेस्ट बुक के क्वेश्चन बैंक के बारे में जो कि एक स्मार्ट बुक है मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी तैयारी अभी आगे होनी है तो आप ज़रूर इस बुक को लीजिए क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद इसके क्वेश्चन देखे हैं बहुत बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हैं इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इसको स्मार्ट बुक इसी कहते हैं क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो आपको बिल्कुल एक जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जैसे पढ़ते हैं वैसा आपको एक्सपीरियंस देंगे जैसे फर्स्ट मैं बात करूँ तो इसमें जो क्वेश्चन हैं वो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है तो अगर आप रीजनिंग की बात करें इंग्लिश की बात करें जी की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो लेवल्स के हिसाब से इसमें तीन लेवल्स दिए गए हैं फ़र्स्ट जो लेवल है वो टेंथ uh, लेवल का है सेकंड लेवल जो है वो ट्वेल्थ uh, लेवल का है और थर्ड लेवल पे आपको ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो सोचिए आपके आपको टेंथ लेवल के एग्जाम की भी तैयारी एक साथ हो रही है ट्वेल्थ लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के भी रीजनिंग को आप सॉल्व कर सकते हैं आज आपने देखा होगा कि रीजनिंग में ही सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसके अलावा आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें एक एस्टिमेटेड टाइम भी पता चल जाता है उसमें बुक में लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एवरेज बच्चों ने कितने सेकंड्स में इसको सॉल्व किया होगा तो फिर आप इससे अपनी स्पीड का भी अंदाजा लगा सकते हैं मतलब आप लोगों को जब भी रीजनिंग की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को स्पीड की बहुत दिक्कत आती होगी और आपको पता नहीं चलता होगा कि कोई टफ़ क्वेश्चन है या कोई इजी क्वेश्चन है तो इसमें लगभग आपको कितना टाइम लगाना चाहिए तो ये भी चीज़ आपको एक ही बुक में मिल जा रही है तो वो बहुत बहुत ही अच्छी बात है अगली जो इसकी अच्छी बात है वो ये है कि कोई भी आपके पास जो भी चैप्टर है उसके साथ ही आपको एक क्यू आर कोड मिलता है और उसको अगर आप स्कैन करते हैं तो आप डायरेक्टली उस चैप्टर के वीडियो लेसन में पहुंच जाएंगे और आपको कोई कोचिंग कोई यूट्यूब वीडियो या फिर किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं है आप वहीं से आ, पूरा वो चैप्टर पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है इसके अलावा जो सोल्यूशन दिए गए हैं वो काफ़ी ईजी वे में दिए गए हैं और उसमें ट्रिक्स भी बताई गई है कि आप कैसे इसको शॉर्ट वे में आ, इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को और अगर मैं और सब्जेक्ट की बात करूं जैसे कि इंग्लिश की जो बुक है उसमें आपको प्रॉपर दिया गया है कि ये किस आ, रूल के मुताबिक ऐसा मतलब इसमें आ, हुआ है मतलब इसका आंसर क्यों यही है तो उसमें से आपके रूल्स की भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी ऐसे जी में भी आपको थोड़ा बहुत स्टोरी बताई गई है कि आ, किसी चीज़ का आंसर ऐसा क्यों होना चाहिए तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ मैंने ये बुक पढ़ी हुई है मैं यूज करती हूँ और आ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है और रीजनिंग में मुझे आ, थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है लेकिन इस बुक से पढ़ने पर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है तो आ, मैं इसे कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि ये बुक ले लीजिए अगर आपको ये बुक लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं आप ये सारी जो बेनिफिट्स हैं इसके उसके फर्स्ट पेज पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी तो ये हो गई बुक की बात अब चलिए फाइनली वीडियो शुरू करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास एक महीना भी नहीं बचा है 20-25 दिन बचे हैं तो इसमें आपको बिल्कुल सारी चीज़ें हटा देनी है आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको कोई भी टाइम पास नहीं करना है अगर आप इस स्किल टेस्ट में पास होना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिल्कुल कट ऑफ के बॉर्डर लाइन पर हैं तब भी आप ऐसी तैयारी कीजिए कि ताकि आप इस स्किल टेस्ट में पास हो सके हो सके चाहे आपका ग्रेड सी हो या फिर ग्रेड डी हो जिसमें भी आप पास हुए हैं जो भी आप स्किल टेस्ट दे सकते हो उसमें आपको अपना बेस्ट करना है देखिए आपको ये तो मानना पड़ेगा कि मे भी आपका जो कट ऑफ मतलब जो आपका नंबर आया है वो कट ऑफ के बहुत ही कम ऊपर हो और मे बी फाइनल जो लिस्ट हो उसमें आपका नाम ना हो लेकिन इस चीज़ को एक्सक्यूज बना के आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं करें अगर आपने ये 20-25 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो मेरी मानिए कि आप अगले किसी स्किल टेस्ट में कभी डरेंगे नहीं इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है और ये एक्सपीरियंस आपका बेस्ट एक्सपीरियंस एक्सि साबित होने वाला है मेरी जीप थोड़ी लड़खड़ा आ रही है uh. प्लीज़ माफ़ कीजिएगा ओके okay, तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपको पूरा दिन यूटिलाइज़ करना है सब कुछ छोड़ के अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी छुट्टी ले लीजिए अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है आपकी स्पीड पहले से भी बहुत अच्छी है तो फिर आप तो जॉब के साथ भी शाम को सुबह में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है आपका जो मिस्टेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो तो उसके लिए आप अगर 15-20 दिन की छुट्टी ले ले सकते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ले लीजिए अब बात करते हैं टाइम टेबल की तो मेरे हिसाब से आपको 11 घंटे तो देने ही चाहिए अब आप लोगों को 11 घंटे बहुत लग रहे होंगे लेकिन मैं आपको इसका ब्रेकडाउन बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको 11 घंटों में डिवाइड किया है देखिए मैं ये सोच रही हूँ कि आपके पास और कोई काम नहीं है मतलब आप जॉब जाते भी हैं तो आपने छुट्टी ले रखी है और अगर आप वैसे नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो भी आपके पास अभी पूरा टाइम है आप इंग्लिश रीजनिंग जी जो भी पढ़ते हैं जो भी कोचिंग करते हैं इस बीस पच्चीस दिन के लिए छोड़ दीजिए अब आप क्या करेंगे सुबह से उठ के सात से एक बजे तक जो कि छः घंटे होते हैं आपको शॉर्ट हैंड को देना है उसमें आप क्या क्या करेंगे वो मैं अभी आप आपको बताती हूँ फिर एक बजे तक हो गया फिर आप घर आइए या फिर आप घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आ, अच्छी बात है फिर आप एक से चार तक के बीच में बिल्कुल ब्रेक लीजिए उसमें आप खाइए सोइए आपको जो भी करना है वो कीजिए आप किसी से बात करते हैं तो बात कीजिए सॉन्ग सुनिए मतलब आप जो भी करना चाहते हैं वो उस टाइम में कर लीजिए उसके बाद चार से फिर से बैठ जाइए और सात बजे तक जो कि होते हैं तीन घंटे इन तीन घंटों में भी आपको शॉर्ट हैंड की ही तरफ ध्यान देना है मतलब शॉर्ट हैंड की ही कोई चीज़ करनी है इसके अलावा फिर आप जब सात बज गए सात से दो घंटे का और ब्रेक ले ली लीजिए उसमें आप बीच में अगर खाना खा सकते हैं तो जल्दी खाना खा लीजिए चाय पानी जो भी आप बीच में पीना पीना चाहते हैं पी सकते हैं जो भी आपको रेस्ट करना कर सकते हैं फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नौ से ग्यारह फिर से आप लास्ट के दो घंटे शॉर्ट हैंड को या स्किल टेस्ट को दीजिए देखिए अभी आपको सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी और मैंने आपको सिर्फ 11 बजे तक बताया है टू तो बी ऑनेस्ट मैं एक दो बजे तक अपना लिखना कंप्लीट करती थी और उसके बाद सोती थी फिर सात बजे मुझे कोचिंग पहुंचना पड़ता था तो अगर मुझे सात बजे कोचिंग जाना तो मुझे छः बजे तो लेटेस्ट उठना ही पड़ता था तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होगा मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि इन दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ देता हूँ छोड़ देती हूँ मुझे से नहीं होगा या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा जाती कर रही हूँ ये सारी चीज़ें ये सारे, चीज़े, सारे थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं लेकिन उनसे घबराने की बात नहीं है प्लीज़ मत घबराइएगा मेरे साथ भी आते थे मैं तो ये पूरे जो मेरे पास बीस पच्चीस दिन थे उसमें मैं बहुत रोई हूँ कि मुझे यह नहीं करना है मुझे नहीं अच्छा लग रहा और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है मैं अपने मन का कुछ नहीं कर पा रही हूँ बट वही चीज़ बाद में फ़ायदा करती है और आपको स्किल टेस्ट के दिन पता चलेगा कि मैं मैंने जितनी मेहनत की मैंने अपने आप को जितना तरसाया है आ, आराम करने के लिए या हर चीज़ के लिए वो आज मतलब वो पूरा वसूल हो गया तो मैं भी आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बहुत बहुत अच्छे से स्किल टेस्ट दीजिएगा ताकि बिल्कुल भी आपको ये पछतावा ना हो कि काश मैं 20-30 दिन अपने आप को ऐसे झोंक लेता तो फिर अच्छा रहता ओके okay, तो अब बात करते हैं कि ये तो आ, हो गया आप टाइम टेबल कि आपको कब कब कितना कितना टाइम देना है अब इन टाइम्स में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ देखिए मेरे हिसाब से आपको तीन ऐसे डिक्टेशन होने चाहिए दस मिनट के जो आप प्रॉपर एग्जाम की तरह ही लिखिए मतलब कि आप दस मिनट लिखिए दस मिनट उसको पढ़िए और आप अपने आप को सिक्सटी मिनट सिक्सटी मिनट या अगर आप इंग्लिश से हैं तो फिफ्टी मिनट ऐसे आप अपने आप को एकदम एग्जाम वाला टाइम दीजिए उसको ट्रांसक्राइब करके टाइप करने के लिए बिल्कुल आ, मतलब उसको कॉपी पे मत लिखिए उसको सिर्फ पढ़ मत लीजिए दस मिनट का पूरा डिक्टेशन लिखिए जो स्पीड में आपकी आ, आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है उसी स्पीड में लिखिए और उसके बाद उसको डायरेक्टली कंप्यूटर पे कीबोर्ड से टाइप कीजिए जैसे एग्ज़ाम में होता है तो ही आपकी इतनी प्रैक्टिस बनेगी और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा एकदम आराम से आप आ, कर सकते हैं आ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि अगर आपको स्पीड पूछी गई है अस्सी की यानी अगर आप ग्रेड डी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम से कम 90 होनी चाहिए आपके घर पे मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी स्पीड 90 तक पहुंच जाए अगर आपको ग्रेड सी का देना है तो कम से कम आपका 110 120 होना चाहिए अगर आप लोगों की स्पीड इससे भी ज़्यादा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है आपके लिए बहुत अच्छा है और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और बढ़ाने की कोशिश कीजिए अगर ऑलरेडी नाइन्टी है आपकी स्पीड और आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एटी वर्ड पर मिनट पूछा है तो ऐसा नहीं कि आप पे पर ही रुक जाइए आप और बढ़ा सकते हैं आपके लिए ही अच्छा है लेकिन इस ऐसा नहीं करना है कि अगर आपकी स्पीड आ, 80 पूछी गई तो आप 75 लिखते हो और आपको ये लगे कि थोड़े तो मैं भी माफ होते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके ना चाहते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो भी हो ही जाएंगी तो आपको स्पीड हमेशा हाई रखनी है ऐसी प्रैक्टिस करनी है तो तीन आपको ऐसे मैटर्स लिखने हैं तो जो या तो आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी स्पीड में हो या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड में आप लिखिए दस मिनट का मैटर और दस मिनट उसको पढ़िए और आ, उसको सिक्सटी मिनट्स में ट्रांसक्राइब कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो तीन मैटर लिखने में आपको चार घंटे का समय लगेगा दस दस मिनट तो हो गए कि आपने 10 मिनट रिकॉर्ड किया वो भी आप ऐड कर लो फिर 10 मिनट उसको आपने लिखा फिर 10 मिनट पढ़ा और 60 मिनट में उसको ट्रांसक्राइब कर लिया तो ऐसे अगर आप जुड़ेंगे तो मोटा मोटा आपका चार घंटे लगेंगे अभी भी आपको ग्यारह घंटों में से चार ही घंटे लगे हैं आपके पास सात घंटे पूरे पड़े हुए हैं उन सात घंटों में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है फर्स्ट आपको पूरे जितने भी आपके मैटर्स हैं अगर आप हिंदी से हैं स्टैनो तो मतलब आप हिंदी से शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आप ने धारी गुप्ता जी की बुक से आ, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे खंड एक और खंड दो तो उसमें ऐसा मत कीजिएगा मे भी आपके पास अभी कम समय हो और आपने बहुत ही कम डिक्टेशन किए हो तो आप मे भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप सभी चैप्टर्स का सभी मैटर्स का आप आउटलाइन ज़रूर बना के जाएँ मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है कि रामधारी गुप्ता में खंड एक और खंड दो में कितने कितने आ, मैटर्स हैं लेकिन मान लेते हैं कि सौ सौ मैटर्स हैं और अभी आपने सिर्फ दो चार ही करे हुए हैं तो अभी आप सौ सौ यानी दो सौ अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं आप पचास ही कर लीजिए पूरे मैटर्स लेकिन जितने बाकी बच गए ना उनके आउटलाइंस ज़रूर करके जाइए ताकि अगर वो वर्ड्स आपके डिक्लेशन में आ जाते हैं तो आप आराम से उसको लिख सकें ओके okay, और ऐसे ही अगर आप कैलाश चंद्र कर रहे हैं अगर आप इंग्लिश से शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो उसमें और भी ज़्यादा है लगभग चौबीस पच्चीस उसमें तो वॉल्यूम्स हैं और वो सब मिला के पाँच से ज़्यादा ही उसमें मैटर्स हैं तो आप पाँच तो एक महीने में नहीं कर सकते अगर आपने ज़्यादा अभी तक नहीं किया है तो तो अगर आप पाँच पूरा ना कर सके तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आज तक आपने जितना किया है और जितना आप और आगे कर सकते वो करिए और उसके बाद बार बार वही रिवाइज़ कीजिए मतलब बार बार वही डिक्टेशन लिखते जाइए लिखते जाइए ताकि बिल्कुल आपको वो डिक्टेशन याद हो जाए बाकी जितने डिकटेशन बच जाएंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोश, कोशिश ये कीजिए कि सारे एक्सरसाइज में आप आउटलाइन ज़रूर बना लें जितना ज़्यादा बना सकते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसीलिए मैं आपको ग्यारह घंटे का समय बता रही हूँ कितना तो आपको देना ही चाहिए अगर आप सच में ये स्किल टेस्ट पास करना चाहते हैं तो तो आप आउटलाइन ज़रूर बनाइए Uh, अगली नेक्स्ट बात यही है कि आप uh, स्पीड जो है आपको जो अभी आपकी स्पीड है उससे हाई ही करने की के कोशिश कीजिए भले ही आपकी स्पीड 140 भी हो तो भी उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते रहिए और साथ के साथ आप डिक्टेशन भी बहुत अच्छे से लिखें नेक्स्ट uh, जो चीज़ है प्रैक्टिस पे आपको uh, स्पेलिंग पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है लोग क्या करते हैं कि सिर्फ शॉर्ट हैंड लिखने की कोशिश करते हैं ये गलती मेरे साथ मेरे बैच में जो भी लोग थे वो भी करते थे और उसके बाद भी जितने लोग आते गए ये गलती बहुत करते हैं आज तक मैं सुनती हूँ कि उनका डिक्टेशन लिखा जाता है वो एक सौ पे लिखते हैं बट उनकी स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है शॉर्ट हैंड का मतलब ये नहीं है या इस स्किल टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आपने जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड लिख लिया आपको उसको ठीक ठीक पढ़ना भी आना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसकी वर्तनी या स्पेलिंग बहुत करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि आपको ऑफिस में यही काम दिया जाएगा आपको ये नहीं बोला जाएगा कि शॉर्ट हैंड दिखाओ तुमने लिखा है कि नहीं आपको जो लेटर टाइप करना है उसमें सारी स्पेलिंग्स बहुत करेक्ट होनी चाहिए इसलिए आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा आप शॉर्ट हैंड पर ध्यान देते हो उतना ही ज़्यादा आपको स्पेलिंग्स पर भी ध्यान देना है जैसे मैंने बताया कि आप जब कोई मैटर लिख रहे हैं आपने आप क्या करते हैं कि जब जो वर्ड आपको नहीं आता है आप उसकी आउटलाइन बनाते हैं उसको कई बार लिखते हैं है ना मैं क्या करती थी कि अगर मुझे किसी चीज़ की आउटलाइन नहीं आई मैटर लिखते समय तो मैं उसको सौ बार लिखती थी कि ये इसका आउटलाइन होगा ये उसका आउटलाइन होगा उसके साथ ही अगर कोई वर्ड हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ़ है जो मैंने वैसे आम बोलचाल की भाषा में नहीं सुना है या फिर उसकी वर्तनी मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है तो उसको भी मैं सौ बार लिखती थी ऐसे ही इंग्लिश वालों को भी अगर किसी चीज़ का आपको शॉर्ट हैंड नहीं आता आउटलाइन नहीं आती है तो ओके आप उसको हंड्रेड टाइम्स लिखो लेकिन उसके साथ ही अगर कोई बहुत बड़ा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग भी आपसे रॉन्ग हो सकती है तो उसको भी आपको हंड्रेड टाइम्स लिखना है आपको बिल्कुल अपने आप को बच्चे जैसा ट्रीट करना है कि आप बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं उनको स्पेल सिखाई जाती है उस तरह से आपको अपने आप को देखना है सीखने का यही अच्छा तरीका होता है इसी से आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं अगर आपको ये लगेगा कि अरे मैं बच्चों की तरह हंड्रेड टाइम्स नहीं लिखने वाला हूँ तो फिर शायद ही आपको सीख सकते हैं ये मैं सोचा कि अभी आपकी एज क्या है और आप हंड्रेड टाइम्स लिखेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी ऐसा कुछ नहीं है आपको अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना है और सीखने के लिए हमेशा अपने आप को झोंक देना है ओके तो हमेशा स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए लोगों से यही गलती होती है लोग शॉर्ट हैंड पर ध्यान देते हैं स्पेलिंग पे नहीं और उसी में उनकी गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं हो जाती हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको टाइपिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि लोग इसको भी बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर देते हैं वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं मैं शुरू से आपसे कहती आई हूँ कि आपको लगातार जैसे ही आपने शॉर्ट हैंड की कोचिंग स्टार्ट की वैसे ही आपको टाइपिंग की भी कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मेरे जान पहचान में भी ऐसे हैं जो शॉर्ट हैंड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे और अब बीस दिन में एग्जाम है तो उनको टाइपिंग के लिए बहुत अटेंशन हो रही है तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है आगे भी जब आप तैयारी करते तो आपको ये ध्यान में रखना है तो इसलिए टाइपिंग को भी आप इसमें इंक्लूड कीजिए जैसे मैंने बताया कि तीन जो मैटर्स हैं उसमें आप टाइपिंग करेंगे ही लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग भी अभी बहुत स्लो है तो उसको भी थोड़ा टाइम दीजिए एक दो घंटे का ताकि आप उस पर भी काम कर पाए <coughs> तो सात घंटे हैं आपके पास और आपके पास ये सारे काम हैं करने के लिए अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल आपका जो 20-25 दिन में एग्जाम होने वाला है बहुत बहुत अच्छा जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी 11 घंटे अभी आपको फॉर फोश्योर ज़्यादा लग रहे होंगे कि 11 घंटे कौन पढ़ेगा कौन शॉर्ट हैंड सिर्फ करेगा लेकिन आ, बिलीव कीजिए बीस दिन कुछ नहीं होते पच्चीस दिन कुछ नहीं होते आपने बीस पच्चीस दिन इसमें लगा दिया तो आप जीवन भर उसको याद करेंगे भले ही आप आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है लेकिन ये बीस पच्चीस दिन आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको ज़रूर फायदा करेंगे तो अभी आप जो भी कर रहे हैं छोड़ कर बैठिए और बस और बस स्किल पर ध्यान रखाइए ऐसे ऐसे आपको तैयारी करनी है स्पेलिंग्स पर ध्यान दीजिए आउटलाइंस बनाइए आउटलाइंस ट्राई कीजिएगा कि सारे ही चैप्टर्स के सारे ही एक्सरसाइजेस के आप ज़रूर बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन बनाइए और उसके बाद फिर आप स्पेलिंग पे तो ध्यान देंगे ही टाइपिंग पे ध्यान दीजिए और जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते उसे बच्चों की तरह सौ सौ बार लिखिए वो चाहे स्पेलिंग हो चाहे आउटलाइन uh, हो तो आई होप कि आपको ये जो टाइम टेबल है और ये जो टिप्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे अगर आपके कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिख दीजिए मैं स्पेशली इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स चेक करूँगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपके क्वेश्चंस का आंसर देना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो आप इसमें कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आपको आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगी ट्राई कीजिएगा कि स्किल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछें तो वो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी तो ऑल द वेरी बेस्ट आई होप कि आप बेस्ट करके आएँ और तैयारी में जुट जाइए कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए टेस्ट बुक की बुक लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार